संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। मैं आचार्य बालकृष्ण, योग वस्तुतः वो समत्व का नाम है। अलग अलग परिभाषाओं से हम योग को परिभाषित कर सकते हैं कि योग को संयोजन माना जाता है, जोड़ना माना जाता है, या योग आत्मा और परमात्मा के संयोग को माना जाता है। परंतु योग को यदि बहुत गहन अर्थ में देखें, व्यवहारिक अर्थ में देखें, तो समत्वम योग उच्यते। समता क्या है? यानी सम वह है जो जीवन में विषमता का अभाव। भाई आयुर्वेद तक बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में हम तो सोच नहीं सकते जब उस समय पर जो आयुर्वेद के बड़े बड़े ऋषि लोग हुए होंगे जिस समय पर इस धरा पर, उस समय पर हम होते तो शायद हमारी गणना कहीं भी ना होती। आज क्योंकि उस आयुर्वेद रूपी समुद्र में दिखता नहीं, इसलिए हमारी गणना हो रही है। तो हम ज्ञानवान हैं, हम ये नहीं कहते हैं, पर भगवान ने हमको निमित्त बनाया, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हम लोगों ने प्रयास किया और आयुर्वेद के प्रति एक जनजागरण और रुचि बनी। जहाँ तक आपने कहा कि आप लोगों ने इतने पौधों पर काम किया, देखिए आज हम लोग कम से कम जितनी भी औषधियाँ बना रहे, लोग ये कहते थे कि आयुर्वेद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में हमने बहुत सारी औषधियाँ बनाई। पहली बार हम लोगों ने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में बहुत सारे पेपर पब्लिश किए, तो हम लोग उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पर काम हो रहा है। संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ।